कितनी अजीब बात है ना कि एक माँ होकर भी मैं अपने बेटे की खुशियां नहीं समझ सकी। कह डालो जो कुछ दिल में है, कह डालो, दिल पे बोझ नहीं रखना। शाहजहां दिल पे बोझ नहीं होना चाहिए। क्या कहूं अम्मा, जो कुछ हो गया मैंने कभी नहीं चाहा था ऐसा। मैंने कभी नहीं चाहा था कि आयत यूं चली जाए। मेरा खुदा गवाह, मैंने कभी नहीं चाहा था। मैंने तो मेहरू जी की खातिर आयत के साथ निभा करने की पूरी कोशिश की थी, शायद आज जान गई थी कि वो मेरे और मेहरू जी के दरमियान आ गई है। बस इसीलिए चली गई शायद। कोई भी गलत नहीं था, ना तुम, ना है, ना मेहरू। मेहरू तो बेकसूर थी। सच कहो, सारी गलती तो मेरी थी। पता नहीं मां सच क्या है और झूठ क्या है। बहुत चाहते हो ना उसको, अपना लो। मैं बात करूंगी मेरू से, हर गलती हर बात की माफी मैं खुद मांगूंगी। बहुत देर कर दी अम्मा, तुमने बहुत देर कर दी। कैसी तबीयत है मामी जी की? कुछ बेहतर नहीं है। सारा सारा दिन रोती रहती है, आयत को याद करती रहती है, रात में भी सो नहीं पाती। और आप कैसे हैं? I'm sorry, मैं आ नहीं सका, मुझे अचानक जर्मनी जाना पड़ गया, लेकिन बहुत अफसोस हुआ है। शी वॉज टू यंग एंड लाइफ इज सो अनप्रडिक्टेबल। मैं मिलूंगा उसके हस्बैंड से अफसोस करने के लिए। रियली अनफॉर्चुनेट। वो दरअसल मैं आपसे हमारे मुतालिक बात करना चाह रहा था। मुझे लगता है अब हमें अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। अम्मी की हालत कुछ ऐसी नहीं है कि मैं उनको ऐसे छोड़ के शादी कर लूँ। तो मैं आपको कब कह रहा हूँ कि आप मम्मी जी को इग्नोर करें। मैं तो बस हमारे ताल्लुक को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, एंड दैट्स अबाउट इट। ठीक है, आप को जितना भी वक्त चाहिए आप ले सकती हैं। आप आराम से सोचें इस बारे में।
और मुझे फिर बता दीजिएगा। आई एम वेटिंग। बहुत ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त। और आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। हमें खुदा हाफिज। कोई परेशानी है क्या? किसका फोन था? भाभी का। नेहरू जी, राशिद से शादी फिर फाइनल है ना? आप ही तो कहती हैं जिंदगी में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हम तो आगे बढ़ रहे हैं। क्या हुआ है? कुछ कहा है क्या किसी ने आपको? कुछ पूछा है आपसे? भाभी चाहती है कि तुम शाहजहां से शादी कर लो। और आप, आपको तो सब पता है ना, सब कुछ आपने देखा है ना, आप तो सब जानती है, फिर भी वही तो मेरू, मैं सब जानती हूं। आप सब लोगों के सवालों को एक ही जवाब है पास, अब ये मुमकिन नहीं है। सुना चुकी हूँ, बता देना उसे। इतनी ज्यादा? और जो ज्यादा उसने की है मेरी बहन के साथ, उसका हिसाब कौन देगा? देखिए, अगर बात हिसाब किताब पर आएगी तो बहुत से खाते खुल जाएंगे, और मुझे यकीन है कि पलड़ा मेरे दोस्त का भारी रहेगा। खुशफहमी है तुम्हें। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, आपने जब उससे कुर्बानी मांगी है उसने दी है, हमेशा आपके कहने पर चलता रहा चुपचाप बगैर कोई सवाल किए। इतनी आजमाइश में तो खुदा भी अपने बंदों को नहीं डालता। मेरे दोस्त को इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। तुमने निकाह की तारीख दे दी,
जी, इन हालात में मुझे लगा जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही बेहतर। कोई और बात नहीं कर सकते, पलट कर पीछे नहीं देखना चाहती, बहुत आगे निकल चुकी हूँ, ऐसा मजबूर लग रहा है मुझे। मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर रही मैडम, हर बार हालात की वजह से जल्दी में फैसले कर रहे हैं, कभी मैं कभी तुम। हमें अब सीख लेना चाहिए कि इनका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। तुम शुरू से बहुत मुख्तलिफ बच्चा थी, बुर्दबार, साबिर, तुम्हें इंतजार करना बुरा नहीं लगता था। जब तुम अपने पजल बनाती थी ना और रोशनी चली जाती थी तो मैं तुमसे कहती थी कि मैं गैस की लाइट ऑन कर देती हूँ, तुम मुझसे कहती थी नहीं नहीं अम्मी, मैं अपने जहन में पजल बनाती रहूंगी, जैसी लाइट आएगी ना वैसे ही मैं फटाफट जोड़ लूंगी, कितना मजा आएगा ना। कितना मजा। मेरे मास्टर साहब कहते थे मेरे मास्टर साहब कहते थे मेरे इस बच्चे को खुशियों का इंतजार करना आता है। मुझे पता है तुम शाहजहां की बात करने से गुरेज कर रही हो, लेकिन उसकी बार बार कोशिश ही कह रही है कि वो मुंतजर है, और ये तो तुम भी जानती हो मेहरू कि इंतजार तुम्हें भी है। अपने जहन में पजल बनाए जा रही हो बेटे, आंखें खोल के देखो, रोशनी हो चुकी है। भाभी मैं आपको ही फोन करने वाली थी, बात हुई आपकी मेहरू से, क्या कहा उसने? मान गई ना? मैंने कोशिश की थी, मेहरू अपना फैसला नहीं बदली की। जुम्मे को उसका निकाह है, आप बता दीजिएगा शाहजहां को।
के तो नहीं जाएंगी? कभी भी वादा पक्का।